بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه اجمعين وقد ذكر ان المعتادة التي عادتها ان ترى يوما دما ويوما طهرا هكذا الى عشرة ايام فإذا رأت الدم تترك الصلاة والصوم فإذا طهرت في اليوم الثاني توضأت وصلت ثم في اليوم الثالث تترك الصلاة والصوم ثم في اليوم الرابع اغتسلت وصلت هكذا إلى العشرة. عزيزان محترم, एक मुब्तदात होती है और एक मौतादा होती है जिसकी तफसील और तारीफ माकबल में ज़िक्र की जा चुकी है। मुब्तदात का हुक्म बयान हो गया है। फरमाया कि मौतादा औरत जिसकी हर माँ एक मुकर्ररा आदत है दम हैज के आने की, अब एक वो मौतादा है जिसकी आदत यहाँ कुछ इस तरह बताई जा रही है, अल्लती आदतुहा अंतरा यौमन दमन, जिसकी आदत खून के आने की हर माँ इस तरह है कि एक दिन खून देखती है वह यौमन तोहरन और एक दिन पाकी का। अब ये सिलसिला इसी तरतीब से 10 दिन तक हो, हा कज़ा इला आशरत अयामिन, ऐसी आदत वाली औरत क्या करेगी? तो उसका हुक्म आगे बताया कि जिस दिन खून देखे उस दिन नमाज और रोजा तर्क करे, और जिस दिन पाक हो जाए उस दिन उसे पहले दिन, दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन वजू करके नमाज पढ़नी है, फिर चौथे दिन जब खून आए तो उसे गुस्ल करके नमाज रोजा अदा करना है। इस फर्क की वजह आप समझ रहे हैं कि चूंकि अकल्ले मुद्दते हैज 3 दिन है, तो उसे जब एक दिन खून आया उस दिन नमाज रोज़ा तर्क की, दूसरे दिन पाक हो गई वजू और करके उसने नमाज पढ़ ली, फिर तीसरे दिन उसे खून आया तो उसने नमाज रोज़ा छोड़ दी। अब जब चौथे दिन जब उसे खून आएगा तो अब उसे गुस्ल करना इसलिए है कि 3 रोज़ जो है हो चुके हैं, तो अब जो खून आ रहा है वो हैज का खून है, और 3 रोज से कम जो खून उसे आया था वो इस्तेहाजा का खून है। और दमे इस्तेहाजा का हुक्म ये है कि ऐसी औरत वजू करके नमाज पढ़ सकती है, गुस्लों की ज़रूरत नहीं है, जबकि खून हैज में गुस्लों की ज़रूरत है पाकी के लिए। तो चौथे दिन में अब उसे गुस्ल करना है और नमाज पढ़ना है। इसी तरतीब से वो आगे के अय्याम को भी अपने पूरे करेगी, यानी जिस दिन खून देखे उस दिन नमाज रोज़ा तर्क करे, और जिस दिन पाक हो जाए उस दिन गुस्ल करके नमाज पढ़े और रोज़ा रखे। आगे अब उसे गुस्ल ही करना है क्योंकि अकल्ले मुद्दते हैज 3 दिन है, 3 दिन से कम जो खून था वो इस्तेहाजा का था। अब इस पर एक एतराज वारिद होता है कि ये साबिका बहस के खिलाफ बात है, क्योंकि साबिका बहस में ये बात थी
कि 15 रोज से कम का तो हर्फ हासिल नहीं होता है, जबकि उसे एक ही दिन तोहर का मिल रहा है एक दिन के फसलों से। तो ये अय्याम भी हैज के माना जाना चाहिए, इसलिए मजकूरा सूरत में तमाम अय्याम हैज के होंगे, होना चाहिए। उसका जवाब ये दिया कि साबिका बहस मुब्तदाआत यानी इब्तदाई खून आने वाली औरत के मुतालिक थी, यानी उस औरत के मुतालिक थी जिसको पहली मर्तबा दम हैज आया, और ये बहस मुतादा यानी आदत वाली औरत के सिलसिले में है। ये दोनों का हुक्म अलग होगा। दूसरा जवाब या दूसरी बात ये कहेंगे कि साबिका बहस जमहूर का मुख्तार मज़हब है, और ये जो यहाँ बयान किया गया ये बाज़ हज़रात की रिवायत है, इसी को फरमाया। और ये बात ज़िक्र की जा चुकी है अन्नल मुतादत अल्लती आदत हुआ अंतरा यौमन दमन, के वो आदत वाली औरत, वो मुतादा जिसकी आदत एक दिन खून देखे एक दिन तोहर देखे 10 दिन तक इसी तरह सिलसिला हो, फैज़र आती दमा तत्रुकी सलात व सोमा, जब वो खून देखेंगी तो नमाज रोज़ा तर्क करेंगी, फैज़र तहूरत फिलयौम इस्सानी, जब दूसरे दिन पाक होंगी तवज़्ज़ात वज़ू करके नमाज पढ़ेगी, व सल्लम सुम्मा फिलयौम इस्सालिज़ी, फिर तीसरे दिन जो उसे खून आएगा तो तत्रुकी सलात व सोमा, वो नमाज रोज़े को तर्क कर देगी। सुम्मा, अब ये 3 दिन हो गए, सुम्मा फिलयौम अर्राबे, फिर चौथे दिन में तो इग्तसलत व सल्लत, गुस्ल करके नमाज पढ़ेंगी, हाकज़ा इला अशरा, 10 दिन तक ऐसे ही करेगी, यानी अब हर पाकी वाले दिन में उसे गुसल करके नमाज रोजे की अदायगी करनी है। वो अकल तोहरी 15 यौमन वला हद ली अक्सरी इल्ला लिनस्बिल आदती फैन अक्सर तोहरी मुकद्दरुन फी हक्की सुम मख्तलफु फी तकदीर मुद्दती वल असह अन्नहु मुकद्दरुन बिसित्तति अशहरिन इल्ला साअतन। अब देखिए तोहर की अकल मुद्दत बताई 15 रोज, और आगे फरमाया वला हद ली अक्सरी, तोहर और पाकी के ज़माने की अक्सर मुद्दत की कोई हद मुतय्यन नहीं है, क्या उससे जायद नहीं होगा, ऐसी कोई हद नहीं है। अकल मुद्दत 15 रोज है, अक्सर मुद्दत की कोई हद नहीं है, लिहाजा जब तक तोहर का ज़माना रहे पाकी का ज़माना रहे रोज़े रखेंगी नमाज पढ़ेगी, चाहे सारी उम्र इस तरह से गुजर जाए, क्योंकि कभी कभी ये सिलसिला साल 2 साल या उससे ज़्यादा देर तक भी चलता है। अब अगर ऐसे मौके पर इद्दत गुजारने का मसला पैदा हो जाए तो आदत के मुताबिक उसकी मियाद मुकर्रर की जाती है, और एक ज़माने को उसकी इद्दत करार दिया जाता है आदत को तय करने के बाद। अब हजरात फुकहा और अइमा ने उस मुद्दत की तकदीर और उसके अंदाज़ा लगाने में इख्तिलाफ किया है कि ऐसी खातून जिसका ज़माने तोहर और पाकी के अय्याम दराज हो, साल हो 2 साल हो या उससे ज़्यादा हो, और उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी हो, तो जाहिर सी बात है इद्दत का गुजारना हुक्म शरई है, हक़ शरीयत है और लाजिम व ज़रूरी है। यह तरबस न बी अनफुसिहिन न सलासत कुरु, लेकिन अब ज़माना तोहर का इतना दराज है तो उसकी कोई हदबंदी होना चाहिए कि कितने वक्त तो इसे इद्दत गुजारने के लिए बैठना है और शादी से रुके रहना है। तो इस सिलसिले में हजरात फुकहा का ऐसी खातून के सिलसिले में मुद्दत की तायीन में इख्तिलाफ है। शारह वकाया ने असाह कौल बयान फरमाया कि ऐसी औरत की इद्दत गुजारने के लिए मुद्दत को तय किया जाएगा बिसित्तति अशहरिन इल्ला साअतन, 6 महीने 1 साअत कम से उसका अंदाज़ा लगाएगी, यानी तोहर का ज़माना जिसका दराज हो ऐसी औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी 6 महीना 1 साअत कम मुद्दत बैठे रहने से उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। अब देखिए इमाम आइनी ने
अल्लामा आइनी ने शरह हिदायत में बयान फरमाया है कि आम उलमा के नज़दीक मुसलसल खून आने की सूरत में आदत की तरफ लौटने की ज़रूरत होगी। अलबत्ता अबू असमा और अबू हाजिम काजी का इस सिलसिले में इख्तलाफ है। उनके नज़दीक इसकी अक्सर मुद्दत की कोई इंतहा नहीं है। वो हज़रात ये कहते हैं कि मिकदार तो सेमा से तय की जाती है और मुकर्रर की जाती है, और यहाँ कोई सेमा मौजूद नहीं है कि किसी सहाबी का कोई असर हो, सहाबी रसूल ने रसूलुल्लाह से सुना हो जिसे हम हदीस कहेंगे, या सहाबी ने का कोई असर या कौल कोई मौजूद हो, कोई सेमा मौजूद नहीं है। इसलिए इन हजरात के नज़दीक जो अक्सर मुद्दत की कोई इंतहा ही नहीं बतलाते हैं और तय करते हैं, वो कहते हैं कि मसला यूँ होगा कि औरत जब बालिग हो जाए और 10 दिन का खून देखे, फिर 1 साल या 2 साल तोहर देखे और फिर मुसलसल खून जारी रहे, तो उनके नज़दीक इसका तोहर वही है जो उसने साल या 2 साल का देखा है। जब वही तोहर है तो जाहिर सी बात है इद्दत गुजारने के लिए 3 हैज की ज़रूरत होती है और हर हैज के बाद पाकी का ज़माना आता है। तो जब 1 साल या 2 साल इसने तोहर का ज़माना देखी है तो इन हजरात के मुताबिक वो साल या 2 साल ही उसकी मुद्दत करार पाएगी। तो अब उसे तलाक दे दी अगर उसके शोहर ने तो उसकी इद्दत भी, अगर साल भर का तोहर है तो 3 साल और अगर 2 साल का तोहर आता है तो 6 साल में पूरी होगी। मगर जमहूर फुकहा ने इससे इख्तलाफ किया है। चुनांचे मुख्तलिफ अइमा के अकवाल है। मोहम्मद बिन शजा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसका तोहर 19 दिन का होगा, इसी खातून का 19 दिन तोहर। वजह क्या है? क्योंकि हर माँ अक्सर हैज 10 दिन का होता है, हर माँ अक्सर हैज 10 दिन का। तो अब गालिबन उन्होंने 29 दिन का महीने से हिसाब किया है, तो अब जब 10 दिन निकल गए 29 में से तो बाकी बचे 19 दिन बचते हैं, यही बाकी का ज़माना होगा। मोहम्मद बिन मसलमा ने फरमाया कि उसका तौर 27 दिन का होगा, क्योंकि अकल मुद्दत हैज 3 दिन है, इस मुद्दत को हर माह से माइनस किया जाएगा और मिन्हा किया जाएगा तो 27 दिन बाकी रहते हैं। मोहम्मद बिन इब्राहिम अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐसी खातून का तोहर 1 साअत कम 6 माह है, 1 साअत कम 6 माह है, और अक्सर फुकहा ने इसी कौल पर इत्तेफाक भी किया है। अब जिसको अल असह के कहकर के शारे वकाय ने बयान फरमाया, ये मोहम्मद बिन इब्राहिम अल मदनी फरमाते हैं। अब ये 6 महीने 1 साअत कम, तो 1 साअत को कम क्यों किया गया, उसकी वजह भी शारे ने आगे बयान फरमाई है कि देखिए एक है हामिला औरत का तोहर और एक है गैर हामिला का तोहर, दोनों में फ़र्क होना भी ज़रूरी है। तो हामिला औरत कि जिसका पाकी का ज़माना कम से कम 6 महीने होगा, वही इस तरीके से कि अकल मुद्दत तोहर अकल मुद्दत हमल 6 महीना है और हमल के इब्तदाही से खून बंद हो जाता है, पाकी का ज़माना शुरू हो जाता है, तो अकल मुद्दत हमल चूँकि 6 महीना है तो गोया हामिला की ज़्यादा से ज़्यादा या कह जो है मुद्दत कम से कम जो है वो मुद्दत जो है पाकी का ज़माना वो 6 महीना है, तो गैर हामिला की उससे कम होना चाहिए, इसलिए 1 साअत को उससे घटा दिया और कम कर दिया। अब इसके अलावा हाकिम शहीद ने फरमाया कि ऐसी खातून का तोहर 2 माह है। इसके अलावा और भी अकवाल है इस सिलसिले में। इसी को बयान फरमाया वल वाकल तोरी 15 यौमन वाला हद अली अक्सरी इल्ला लिनस्बिल आदत, अक्सर की तो कोई हद नहीं है लेकिन आदत मुकर्रर करने के लिए तायिन करनी होगी, अक्सर की तायिन करना पड़ेगी। फैन अक्सर तोरी मुकद्दर फी हक की, इसलिए कि अक्सर तोहर उसके हक में
मुकद्दर है। सुम्मा अख्तलफू फी तकदीरी मुद्दती। ऐसा यह है कि वो एक साथ कम छः महीने के साथ मुकद्दर है, तो सुम्मा अख्तलफू फी तकदीरी मुद्दती, हजरत फुका ने उसकी मुद्दत के अंदाज़ा लगाने में इख्तलाफ किया। ऐसा कौलिया के अन्नहु मुकद्दरुन बिसित्तति अशुरिन, कि वह अक्सर मुद्दत छः महीने एक साथ कम के साथ मुतय्यन और मुकद्दर है। लेनल आदत नुकसान तोहरी तोहरी गैर हामिली अन तोहरी हामिली, इसलिए कि आदतन गैर हामिला की पाकी का ज़माना कम है हामिला के पाकी के ज़माने से। अन तोहरी हामिली वो अकल मुद्दत हमल सित्तत अशुरिन, और हमल की अकल मुद्दत जो पाकी का ज़माना होता है वो कम से कम छः महीने। फनतकस अन हाजा बिशैइन, लिहाजा ये तोहर कम हो जाएगा छः महीने से कुछ, यानी गैर हामिला का। वह वो सात और वो कुछ जो मकदार है वो एक साथ है। सूरत हो, अब इस मसले की एक फर्जी सूरत और एक उसकी जो है मिसाल बयान फरमाते हैं। मुब्तदाआतुन, एक इब्तदाई हैज़ वाली खातून है। रात अशरत अय्यामिन दमन, जिसने 10 दिन खून देखी। वसित्तत अशुरिन तोहरन, और 6 महीने उसने पाकी का ज़माना देखी। सुम्मस्तमर्रत दमु, फिर खून मसलसल जारी हो गया। तो तनकज़ी इद्दतुहा बी 19 शहरन इल्ला 3 साआतिन, लिहाजा ऐसी खातून की इद्दत कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी 9 महीने 3 घड़ियां और 3 साआते कम के ज़रिए से। बी 19 शहरन इल्ला 3 साआतिन, 3 घड़ी और 3 साआते कम 9 महीनों से ऐसी खातून की इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। उसकी वजह आगे बयान फरमा रहे हैं। लिअन्ना नहताज इला सलासी हयाज़िन, क्योंकि देखिए हर माह हमें 3 हम इद्दत की कंप्लीट करने और मुकम्मल होने के लिए 3 हैज की ज़रूरत है, और इसी तरह 3 तोहर की भी ज़रूरत है। अब हर हैज को हमने पकड़ा 10 दिन का, जो अक्सर मुद्दत हैज है, वो या हर माह का हैज 10 दिन का, और फिर 3 तोहर, तो हर तोहर 6 महीने 1 घड़ी कम का, तो 6 × 3 = 18 महीने तोहर के, और इसी तरीके से हर माह का 10 दिन का हैज, तो 3 × 3 = 30, यानी 30 दिन 1 महीना ये हो गया, तो 18 महीने तोहर के और 1 महीना 10 दिन मिला करके ये 19 महीने, और हर महीने से 1 घड़ी को हमने कम किया ताकि हामिला की मुद्दत तोहर से गैर हामिला की मुद्दत तोहर कम हो जाए। तो इस तरह 18 महीने तोहर के 1 महीना हैज का और 3 साआते कम, तो 19 महीने 3 साआते कम मुकम्मल हो जाएगी, और इस तरह जो है इद्दत पूरी हो जाएगी। इसी को फरमाया लिअन्ना नहताज इला सलासी हैज़िन, इसलिए कि हम हर माह हैज पूरी इद्दत के गुजारने में हमें ज़रूरत है 3 हैज़ की। कुल हैज़िन अशरतु अय्यामिन, हर हैज 10 दिन का। व इला सलासती अतहारिन, और हमें ज़रूरत है इद्दत के लिए 3 तोहरों की। कुल तोहरिन सित्तत अशुरिन इला साअतन, हर तोहर 6 महीने 1 घड़ी कम का। तो इस तरह से जो है 19 महीने 3 घड़ी और 3 साआते कम के ज़रिए से ऐसी खातून की इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौल बयान फरमाया है, जिसको शारह विकाया ने अल-असह से ताबीर किया है, उस कौल के मुताबिक तो ये आसान तरीके से गोया ऐसी खातून की गोया मुद्दत इद्दत की तायीन और अंदाज़ा लगाया गया है कि जिसको बड़ा ज़माना पाकी का रहता है, साल भर या 2 साल या उससे भी ज़्यादा, तो अब इद्दत गुजारने में चूँकि बड़ी दिक्कत पेश आएगी और लंबा ज़माना इद्दत में बैठना और अपनी लवाज़मात ज़िंदगी और तकाज़ाए हयात से दूर रहना एक मुश्किल अम्र है, तो मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-मदनी का ये कौल ज़्यादा बेहतर मालूम होता है
इसके मुताबिक उसकी इद्दत के ज़माने को तय करके उसको आसानी पैदा कर दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ और किताब की इबारतों को, मसाइल को दिक्कत नज़र के साथ और गौर व फिक्र के साथ समझने की तौफीक अता फरमाएँ। और आप हजरात से आखिर में ये गुजारिश है कि इन असबाक को आप अहमियत के साथ सुने, देखें और समझने की कोशिश करें, और जितने असबाक अब तक हो चुके हैं उनको भी जो है सुनते रहे और देखते रहे, ताकि अल्लाह ताला इल्म का नूर और इल्म से वाबस्तगी को कायम और दायम रखे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।